40 फीट कुएं में गिरकर भी बच गई माँ बेटी। 3 साल के बेटे को घर छोड़ा और 1 साल की बच्ची को गोद में लेकर कूद गई माँ। रोने की आवाज सुनकर इकट्ठा हुआ गांव, रेस्क्यू टीम ने बचाया। जयपुर जिले के कोटपुतली कस्बे में वार्ड नंबर 1 में बुधवार को पुराने भट्टे के पास एक महिला अपनी 1 साल की बच्ची को गोद में लेकर कुएं में छलांग लगा दी। गनीमत रही कि घर से करीब 500 मीटर दूर 40 फीट गहरा ये कुआं सूखा था, जिसमें नीचे काफी कचरा था। इससे महिला और बच्ची की जान बच गई, उन्हें काफी चोटें आई हैं। कुएं में बच्ची के रोने की आवाज सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। तब पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। खुद फायर ऑफिसर सुरेश यादव तत्परता दिखाते हुए कुएं में रेस्क्यू टीम के साथ उतरे और महिला और उसकी बच्ची को स्ट्रक्चर से बांधकर रस्सी की सहायता से खींचकर ऊपर लाए। इसके बाद मां बेटी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये है पूरा मामला। 23 वर्षीय महिला सुमन मानसिक रूप से कमजोर बताई जा रही है। वो अपने पति दिनेश सैनी के साथ नाहर की ढाणी वार्ड नंबर 1 में रहती है। उनकी 1 साल की बेटी राधिका है और 3.5 साल का बेटा ऋषि। दिनेश सैनी पंचर निकालने की दुकान रखता है। वो बुधवार सुबह अपने काम पर चला गया। इसके बाद सुमन अपनी बेटी को गोद में लेकर घर से निकली। उसने बेटी को अकेला ही कमरे में छोड़ दिया। इसके बाद पुराने भट्टे के पास पहुंचकर कुएं में कूद गई। गनीमत रही कि बच्ची की रोने की आवाज से ग्रामीण वहां आ गए और वक्त पर दोनों को बाहर निकालकर उनकी जान बचाई, वरना ये दोनों माँ बेटी अपनी जान गंवा सकती थी। ये सुबह जब ये कंट्रोल रूम इतना मिली थी कि गोपालपुरा रोड पे बंजारा उड़ाने के पास में कुएं में एक महिला और एक बच्चे जो गिर गए हैं, उसके खिलाफ मौके पहुंचे। तो ये महिला है सुमन, वाइफ ऑफ दिनेश, बड़ा कुआ वाली ढाणी की रहने वाली है। उसका पति दिनेश है, वो पंचर दुकान में काम करता है। वो सुबह 6 बजे दुकान पर चला गया था। पीछे से महिला और बच्चे को लेकर के, महिला है जो मन बुद्धि और इनकी कस्बे की रहने वाली। तो सर कुछ कारणों को पता लगा ऐसा? नहीं नहीं, महिला मंदबुद्धि है, मंदबुद्धि बचपन से मंदबुद्धि होता है। तो मंदबुद्धि के कारण बच्चे को लेकर बच्चे को लेकर